नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का ये खूबसूरत सा पैटर्न लाई हूँ। देखिए, सामने से ये ऐसा है और पीछे से ये ऐसा। इसे आप किसी भी जेंट्स स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, बच्चों के स्वेटर में, कैप में, हैट में, किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 5 का मल्टीपल फंदा और 4 फंदा एक्स्ट्रा लेंगे तो डिज़ाइन अच्छी तरह सेट हो जाएगा। डिज़ाइन जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था वैसे मैं यहाँ से बता रही हूँ, आप इसे पहली लाइन समझें। तो पहली लाइन में हम फंदे सेट करेंगे। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा, ऊन दूसरी ओर, 3 फंदा सीधा। पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 5 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 2 फंदा उल्टा बुनना है और 3 फंदा सीधा। 2 फंदा उल्टा और 3 फंदा सीधा। तो 2 फंदा उल्टा और 3 फंदा सीधा बुनते हुए मैं लास्ट तक आ गई हूँ। अब देखिए, 3 फंदा बचा है तो 2 फंदा उल्टा हो जाएगा और लास्ट फंदा एज स्टिच, इसे हम सीधा बुनेंगे। तो इस तरह यह पहली लाइन कंप्लीट होती है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। अब देखिए, 2 फंदा हमने उल्टा बुना था तो वो 2 फंदा सीधा, और 3 फंदा हमने सामने से सीधा बुना था तो वो 3 फंदे हम रॉन्ग साइड से उल्टे बुने। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 5 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। 2 फंदा सीधा और 3 फंदा उल्टा। 2 फंदा सीधा और 3 फंदा उल्टा। 2 फंदा सीधा और 3 फंदा उल्टा बुनते हुए मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। लास्ट में 3 फंदे बचेंगे तो उन दूसरी ओर 2 फंदा सीधा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुनेंगे। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये हमारे डिज़ाइन का तीसरा लाइन है। तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा, उल्टे वाले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। अब उन दूसरी ओर करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, 3 सीधे फंदे हैं तो तीसरे वाले फंदे को, 1, 2, 2 को छोड़ देंगे, तीसरे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और इन दोनों के ऊपर से ऐसे ले जाते हुए ऐसे गिरा देंगे। अब क्या करेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे। अब यहाँ पे हमारा 1 फंदा घट गया है तो 1 फंदा सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर करेंगे और फिर दूसरा फंदा सीधा है, उन हमारी तरफ है, इसे अपनी तरफ ही रखे हुए अगला फंदा सीधा बुन देंगे। अब यहाँ पे एक जाली पड़ गया और हमारे 3 फंदे वापस 3 फंदे हो गए। फिर से देखिए, उन अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, अब देखिए 3 सीधे फंदे हैं तो तीसरे वाले फंदे को उठाएंगे और इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे ले जाके गिरा देंगे। अगला 2 फंदा सीधा बुनना है लेकिन बीच में हमें जाली दे देना है। लास्ट में 3 फंदा, 2 फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुनेंगे। तो ये हमारा तीसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का चौथा लाइन है। तो
पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। अब देखिए दो फंदा सीधा और ये तीन फंदा उल्टा, ये जाली वाला फंदा, इसे भी उल्टा उल्टा। तो पहला फंदा एज स्टिच है, इन्हीं पांच फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। उन दूसरी ओर दो फंदा सीधा, उन अपनी ओर तीन फंदा उल्टा। दूसरी ओर दो फंदा सीधा, उन अपनी ओर तीन फंदा उल्टा। तो इन्हीं पांच फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पांच फंदा और चार लाइन का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन है, और इन्हीं चारों लाइनों को हम ऊपर ऊपर दोहराते जाएंगे तो ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। तो आशा है आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।